सारा सोशल सर्कल है जो उसके साथ उठते बैठते थे लोग, एवरी वन न्यू अबाउट दिस, सबको पता था इस बारे में क्या हो सकता था क्या नहीं हो सकता था। कोई अपोलोजाइज नहीं कर रहा, कोई आवाज़ उसके अपने दोस्तों में से कोई बंदा नहीं बोल रहा कि हमारी गलती थी कि हमें पता था वो ऐसा है। वी हैव इन द पास्ट सिक्स ईयर्स अ कन्विक्शन रेट ऑफ 0.3% व्हेन इट कम्स टू रेप एंड गन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। दिस इज अ वेरी डैमिंग इंडिकेटर। यहाँ की औरतें क्या करें, मुल्क छोड़ के चली जाएं फिर? जस्ट बिकॉज यू आर अ मेल डजंट मीन यू हैव सुप्रीमेसी ओवर एवरीथिंग। नो, नॉट ओवर लाइफ। You have to revert back to God and His laws, to Allah and His laws. It is a lesson for everybody living in this community to that it could be your neighbor, it could be your daughter, your sister, your wife, your mother. अगर इतना pressure होने के बाद और इतनी presence होने के बाद हमारी judiciary ने इस case को जल्दी नहीं निपटाया जिस तरह वो terrorist cases को निपटाते हैं 15 दिन में, अगर नहीं निपटाया then I think that our society has totally decayed. अगर आप मेरे पीछे, मेरे लेफ्ट, मेरे राइट पे सारे देखें, जितने भी यहाँ पे औरतें आई हुई हैं, जितने भी मर्द आए हुए हैं, देर ऑल हेयर फॉर जस्टिस। देर ऑल वेटिंग फॉर द स्टेट टू इफेक्टिवली प्रोसिक्यूट दिस एनिमल एंड फॉर द स्टेट टू क्रिएट अ प्रेसिडेंट विच शोज दैट द स्टेट केयर्स फॉर इट्स वुमेन, द स्टेट केयर्स फॉर इट्स डॉटर्स, द स्टेट केयर्स फॉर इट्स मदर्स। ही शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस, he should be hanged, that's what we want. Why? Because we feel ke ye jo sari evidence log keh rahe hain ki he was mentally unstable, this, that and the other, doesn't matter. There is evidence that the boy had schemed to escape, there's evidence that the parents were complicit, wo shamil the is crime mein uske sath. Agar unko pata tha ki unka beta unstable hai to unko ye cheez report karni chahiye thi. He should have been in an asylum before, not after a crime. So Noor ki family ne to jo खोना था वो खो दिया। नथिंग इज गोइंग टू गेट देयर डॉटर बैक, बट व्हाट दिस हैज़ टू स्नोबॉल इज अ सेंस ऑफ जस्टिस एंड अ सेंस ऑफ बिलीफ इन आर जुडिशरी एंड इन आर स्टेट, बिकॉज इफ वी डोंट हैव दैट देन वी हैव नथिंग। आप देखिए आपकी असेंबली में जो आपके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? वो आपका कोई बिल पास होने देते हैं? दिस इज व्हाट इट इज। कोई आज की बात नहीं है, पिछले 25-30 साल से यही हो रहा है। हर कोई अपने कबीले को बचाने की कोशिश करता है, अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश करता है, अपने इलाके के लोगों को बचाने की कोशिश। नहीं, हम सब एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं और हम सब लोग इतना ही दर्द महसूस करते हैं जैसे कि नूर मुकदम के पेरेंट्स हैं। यू नो, एज अ सोसाइटी प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए। जब हमारी गवर्नमेंट्स नहीं ले रही हैं, जुडिशरी नहीं ले रही है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज वो स्टेप्स नहीं ले पा रही हैं, तो फिर हम लोगों को वो स्टेप्स लेने चाहिए। तो वो एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं कि आपको अगर जुडिशरी से कंप्लेंट्स हैं तो वहाँ जाएं और ये जुडिशल कॉलोनी दरी है, जाके वहाँ पे प्रोटेस्ट करें। अगर वो जस्टिस डिस्पेंस ना करें तो अंडे फेंकें वहाँ पर। अगर तो हुकूमत इस केस के अंदर इफेक्टिवली इसको प्रोसिक्यूट कर देती है, दिस वुड बी द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर वेमेन टू अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट अलोन इन सोसाइटी एंड दैट दे आर सेफ इन दिस सोसाइटी। बट इफ द स्टेट फेल्स, then the state has absolutely failed in its duties and responsibilities of safeguarding women and their rights. Hamara mutalba jo hai ki jo criminal justice system hai, they need to act fast. Unke paas sare evidence saboot maujood hain aur wo jagah waqua se wo unko wahan se mile. To excuses such as that you know he is mentally health is absolutely unacceptable.